हे व्हाट्स अप एवरीवन एंड वेलकम टू रियलमी डायरी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 कस्टम रूम्स की, जो कि आपको जुलाई के अपडेट में देखने को मिलती है। तो ये सीरीज़ हमने पेंडिंग रख रखी थी, तो जून में नहीं, शायद अप्रैल और जून में हमने जो है इसको बना दिया था। तो अब देखते हैं कौन सी टॉप 10 जो है मेरी लिस्ट में मैंने इसे सेलेक्ट किया है। तो वीडियो जो है एंड तक देखना। सो लेट्स बिगिन। थर्ड नंबर की रोम है जिससे मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो वो है AEX 7.3 ऑफिशियल। ये एक ऑफिशियल बिल्ड है, तो इसमें जाहिर सी बात है आपको कोई छोटे मोटे बग्स भी जो है देखने को नहीं मिलेंगे, तो सभी चीज़ें जो अच्छे से वर्क करती हैं। तो अबाउट फ़ोन में हम हैं और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है। सिक्योरिटी पैच आपको 5 जुलाई का देखने को मिलता है, कर्नल वर्जन जो कि लेटेस्ट है। और यहाँ पर 7.3 इसका वर्जन है, जो कि एक ऑफिशियल रोम है ये। तो बिल्ड डेट आपको 23 जुलाई की मिल जाती है। तो ये अपडेट जो है काफ़ी लेट आया था, मैंने आपको वीडियो में ही बताया था। तो इन तीनों रूम्स जो मैंने बता रहा हूँ सभी के मैंने रिव्यू कर रखे हैं, तो अगर आपको रिव्यू देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ऐसी लिनक्स स्टेटस आपको एनफोर्सिंग मिल जाता है, तो अगर आपको F2FS इनेबल करना है तो आपको फर्मवेयर सेवर भी फ्लैश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो ये एक बहुत सिंपल लगती है, और इसमें थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ मिलता है आपको एक्सटेंशन में, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है, और कस्टमाइजेशन तो है ही, और बाहर से देखा जाए तो आपको थोड़ी सिंपल रूम भी लगती है। और टॉगल में यहाँ पर अब मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर सभी चीज़ें वर्किंग है। तो कॉर्वस में जो था स्क्रीन रिकॉर्डर अच्छे से वर्क नहीं करता है, और यहाँ पर जो है स्क्रीन कार्ड गेमिंग मोड सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पर अच्छे से वर्किंग करती हैं। तो सभी चीज़ें वर्किंग हैं, तो एक ऑफिशियल है, तो यहाँ पर कुछ हमें दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो अब मैं सीधा चलता हूँ यहाँ पर अपने पबजी की तरफ। तो गेम स्टार्ट हो गया, मैंने यहाँ पर ग्राफिक्स जो रखे हैं वो है स्मूथ पर अल्ट्रा, तो आप देख सकते हैं गेम जो है बहुत ही यहाँ पर अच्छा चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है गेमिंग में अभी मुझे। और यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो फिंगरप्रिंट और लॉक स्क्रीन में आपको प्रिंट और पिन वगैरह तो मिल ही जाता है। यहाँ पर फेस अनलॉक का आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, फेस अनलॉक यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। और इन तीनों ही रूम जो मैंने सेलेक्ट करी, इसमें एक ईशू बता देता हूँ मैं आपको। AEX में तो नहीं है खैर, और जो बाकी दो हैं उनमें है, कहीं स्पेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं भूल ना जाऊँ। तो उन दोनों ही रूम में ईशू, अगर आप कोई कॉल करते हैं तो डायलर लिस्ट में जो है रजिस्टर बहुत टाइम बाद होता है। तो जैसे मैं कॉल कर देता हूँ, तो मैं इसको कॉल करता हूँ तो रजिस्टर बहुत टाइम बाद होता है यहाँ पर। जैसे मैंने इसे काट दिया तो AEX में ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर रीसेंट में देख सकते हैं, तो रजिस्टर AEX में हो चुका है। तो जैसे मैंने बताया था आपको AEX में तो यहाँ पर हो जाता है, लेकिन जो 1 और 2 नंबर पे जो मैंने रूम सेलेक्ट करी है तो उनमें जो है रजिस्टर नहीं होता है। तो पहले से मैंने इसलिए बता दिया है कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो वैसे तो ये रूम काफ़ी बढ़िया है,
स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं आती। रैम मैनेजमेंट थोड़ा सा कम है, रैम मैनेजमेंट बाकी दो रोम्स में, और बैटरी भी थोड़ी सी खास नहीं है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इसमें जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और ये एक ऑफिशियल रोम है तो इसमें आपको छोटे छोटे बग्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी रोम की तरफ। तो दूसरे नंबर पर जो हमारी रोम आती है वो है कॉल्ट OS। तो ये भी बहुत बढ़िया रोम है, इसमें जो बैटरी बैकअप वो भी और भी बढ़िया है, और रैम मैनेजमेंट थोड़ा सा यहाँ पर कॉर्वेट से कम देखने को मिला है मुझे। तो रैम मैनेजमेंट थोड़ा सा मुझे इसमें ज़्यादा देखने को बढ़िया मिला नहीं, ये कॉर्वेट OS के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा ऐप्स जो है स्टोर करके नहीं रख पाता अपनी रैम में। तो यहाँ पर आपको रियलमी सेटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कॉर्वेट OS में मिसिंग है। और मैं अब चलता हूँ मैं अबाउट फ़ोन में, तो अबाउट फ़ोन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिलेगा, और कॉल्ट OS वर्ज़न जो है 6.2 है, और यहाँ पर कर्नल वर्ज़न जो कि आपका लेटेस्ट है, और सिक्योरिटी पैच वो है जुलाई 5 का, तो जुलाई का सिक्योरिटी पैच इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है, और काफ़ी थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा डिफरेंट भी है सभी रूम्स में। तो सभी रूम्स में ये थोड़ा डिफरेंट भी मिलता है आपको, यहाँ पे काफ़ी सारी जो है कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाती है, और बैटरी बैकअप जो है आपको कॉर्वेट से वैसे तो बढ़िया देखने को मिलता है। सो मैंने बताया था बैटरी ही हर कुछ नहीं है, बैटरी हर कुछ नहीं है, और यहाँ पर रैम मैनेजमेंट जो है आपको कॉर्वेट बड़े में बढ़िया मिलता है। तो अब एक बार मैं बैटरी दिखाऊं, वैसे तो मैंने अभी इसको जस्ट अभी फ्लैश किया है, तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी देर पहले ही इसको जो है फ्लैश किया है। आपको काफ़ी सारे फीचर इसमें देखने को मिल जाते हैं, कोई मतलब आपको लैग फिक्स, आपको लैग नहीं मिलेगा इसमें देखने को। सिक्योरिटी में आपको इसमें फेस लॉक लॉक नहीं, सिर्फ फिंगरप्रिंट मिलेगा, और आपको पिन लॉक पासवर्ड आप ये सब पैटर्न वगैरह आप लगा सकते हैं। तो आप सीधा चलते हैं यहाँ पर पबजी की तरफ। तो पबजी में स्टार्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने जो सेटिंग्स रख रखी है वो है स्मूथ पर अल्ट्रा, तो मैं रिकमेंड करूँगा वही यूज़ करें, वरना बाकी HD पे तो लैग होता ही होता है, हर रूम्स में यहाँ पर लैग होगा ही होगा। तो स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर मैंने FPS मीटर भी इनेबल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यूसली यहाँ पर 40 के अराउंड जो है FPS हमें शो कर रहा है, और बिल्कुल भी एकदम गेम जो है एकदम स्मूथ चल रहा है, कोई यहाँ पर लैग देखने को नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई अगर सामने बंदा आ जाए, तो मैंने क्लासिक भी इसमें खेला हुआ है, तो बिल्कुल भी जो है लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें बस, और बैटरी की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप जो है यहाँ पर कई रूम्स ऐसा नहीं, इसी में कई रूम्स में होता है जो फर्स्ट साइकिल जो है उसका जो बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है उसमें, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप जो बाद में इसे रिचार्ज करेंगे, मतलब दोबारा चार्ज करेंगे फ़ोन को, तो आपकी बैटरी जो है आपको बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने मिलती है, और थोड़ी डिफरेंट भी है, यहाँ पर सेटिंग का ओवरव्यू आप देख सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ओमनी का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर ओमनी का सपोर्ट मिल जाता है, इसमें भी आपको कई सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रैम मैनेजमेंट यहाँ पर थोड़ा सा कम है, यहाँ पर कॉर्वेट से थोड़ा सा बेटर कॉर्वेट में है, इसमें थोड़ा सा नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर में रखा है। तो अब चलते हैं अपनी पहले नंबर की रोम पे। तो गाइस, फर्स्ट नंबर पे जो रोम है मेरी लिस्ट में वो है कॉर्वेट OS 7.5। तो सभी ने जो है अंदाज़ा इसमें लगा लिया होगा। तो मैं चलता हूँ सीधा अबाउट फ़ोन में, और दिखाता हूँ इसमें क्या आपको देखने को मिलता है। तो
तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी पैच जो 5 जुलाई का देखने को मिलता है और 7.5 जो है इसका वर्जन है, और यहाँ पर बिल्ड डेट आपकी 22 जुलाई की है, और कर्नल स्टेट ऐसी लिनक्स स्टेटस जो आपको एनफोर्सिंग डिफ़ॉल्ट मिलता है, और यहाँ पर कर्नल वर्जन जो है 4.9 बेस्ड है। तो मैंने इसमें इल्यूजन एक्स डाला है, तो स्टॉक पे तो हमने यूज़ कर लिया था, स्टॉक पे जो हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी, तो देखेंगे इल्यूजन एक्स पे हमें कैसी परफॉर्मेंस जो है देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको जो इसलिए फर्स्ट नंबर पे इसलिए यहाँ पर आप में कस्टमाइजेशन तो मिलती है, और गेमिंग परफॉर्मेंस और रैम मैनेजमेंट इस रोम का जो है काफ़ी अच्छा है, जो दूसरे रोम से इसको अलग बनाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन एनिमेशंस आपको जो है यहाँ पर डिफरेंट तरीके के जो है देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अलग एनिमेशन जो है अभी कम रोम्स में जो ये एनिमेशन आए हैं। तो सेटिंग्स थीम्स में ये कोई भी कमी नहीं, गेमिंग परफॉर्मेंस जो है आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है, और हर चीज़ जो है परफेक्टली वर्क करता है। थोड़ा सा एक इसमें डिसपॉइंटेड चीज़ है जो है स्क्रीन रिकॉर्डर, गेमर्स के लिए तो खैर ये रूम बढ़िया है और मैक्सिमम गेमर्स जो है स्क्रीन रिकॉर्ड भी करते हैं, तो स्क्रीन रिकॉर्डर तो इसमें वर्किंग अच्छे से नहीं है, लॉन्ग वीडियो जो है इसमें क्रैश हो जाती है। तो अगर आपको जानना है कैसे स्क्रीन रिकॉर्डर हम अच्छा वाला डाल सकें तो मेरे को कमेंट्स में बताना, मैं उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो बना दूंगा, और कैसे कॉन्फ़िगरेशन अप्लाइड करना है उसके अकॉर्डिंग भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। और यहाँ पर सभी चीज़ तो खैर वर्किंग मिलती है, और हम गेम की बात करते हैं तो पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर बैटरी की, और यहाँ पर बैटरी मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते 80% बैटरी अभी मेरे पास है। तो स्टेटस मैं देखता हूँ, और यहाँ पर आधा घंटा 40 मिनट करीब मैंने टेलीग्राम यूज़ किया है, तो 7% बैटरी का जो है यहाँ पर ड्रेन देखने को मिला है। तो ये मुझे इल्यूजन एक्स में थोड़ा ठीक नहीं लगा, कॉर्वस ओएस के साथ मज़ा नहीं आया बैटरी में, और RIB कर्नल भी डाला था उसने तो बिल्कुल हक दिया, ठीक है। तो आधा घंटा टेलीग्राम चलाने पर मेरी 14% की बैटरी ड्रेन हो रही है, और 40 मिनट पबजी चलाया तो 30% बैटरी, मतलब साथ के साथ ही चल रहा है, 1 मिनट पर 1% बैटरी का ड्रॉप मेरे को एक तरीके से दिखा रहा है। तो बैटरी उसमें तो खैर बढ़िया नहीं थी, इंसिग्निक्स में देखा नहीं अभी, स्टॉक पे बढ़िया है, स्टॉक पे तो खैर बढ़िया है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे गेमिंग, तो मैं गेमिंग खोल के आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो गेम मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, और मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ, तो आपको डिफ़ॉल्ट ही है, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट देखिए थोड़ा सा लैग ही रहेगा, HD पे खेलना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, तो अगर हीट करेगा तो आपका गेम जो है लैग होगा। तो मैं स्मूथ पर अल्ट्रा कर देता हूँ इसको कलरफुल, तो ये देखिए काफ़ी स्मूथ चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस गेम इस रोम में, ये देखिए कितना स्मूथ है। सभी रोम्स से मुझे डिफरेंट लगता ही है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं होते, अगर कोई बंदा आपके सामने आ जाता है कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं होते। तो बस इतना ही, और अगर इसमें जो है आपको FPS मीटर नहीं देखने को मिलेगा, अगर आपको FPS मीटर इनेबल करना है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है, तो उसे जाके वॉच कर लेना। तो आप बस आपका फ़ोन का रूटेड होना चाहिए, तो आप जो है FPS मीटर इनेबल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस रूम में जो है आपको FPS मीटर देखिए इनेबल, मतलब रियलमी सेटिंग आपको नहीं मिलेगी, तो आप यहाँ से FPS मीटर जो है इनेबल नहीं कर सकते, तो आप जो है वहाँ मेरी वीडियो देखिए, तो उससे आप जो है FPS मीटर भी इनेबल कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर टॉप 3 लिस्ट में जो है यही रोम्स थी जो मुझे ठीक लगी हैं, यहाँ पर AEX, कॉल्ट और कॉर्वस, ये तीनों ही रोम्स जो है अच्छी हैं। अच्छा ये नहीं कि आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिल रहा तो वो रोम अच्छी होगी, तो बात होती है रैम मैनेजमेंट की, तो इन तीनों ही रोम्स में जो है रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, काफ़ी देर तक आपके ऐप जो है इसमें रिलोडेड रहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।